तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आज हम आ चुके हैं चिड़ियाघर, जो कि हमारी टिकट लगे चिड़ियाघर ऑनलाइन 80 रुपीज की ऑनलाइन टिकट मिली है चिड़ियाघर की। आपको ऑनलाइन बुकिंग ही करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको टारगेट टिकट नहीं मिलेगी। तो गाइस आप ऑनलाइन टिकट बुक करके आएँ और 50 रुपये आपके कार पार्किंग के लगेंगे, जो कि हमारी लग चुकी है, जो कि शाम को 7 बजे तक वैलिड रहेगी। नहीं, वो तो आप जब तक आओ जब मर्जी वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना अंदर घूम ही नहीं पाओगे, पहले आ जाओगे आप। बाकी ये देखिए, यहाँ पैसे भी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। भीड़ दे सकते हो, आज संडे का दिन है और वो भाई साहब बहुत तगड़ी भीड़ का रश हो चुका है। अरे इनकी हालत देखो, पसीने पसीने में हो पड़े बोलना। तो गाइस ये हमारा एंट्री पॉइंट है, यहाँ से एंट्री हो रही है। तो गाइस ये हमारा एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। टिकट हम ऑनलाइन बुकिंग कर ली है, ये देखो ऑनलाइन यहाँ टिकट चेक हो रही है, टिकट चेक हो रही है ना। ये इसमें चेक हो गई, तो टिकट चेक हो चुकी है हमारी। अब हम जा रहे हैं अंदर। ऐसे गाइस यहाँ से हमारी एंट्री क्लियर हो चुकी है और ये आते हैं हम अपने जू, जो आते हैं हम अपने चिड़ियाघर। यहाँ से हमारी एंट्री शुरू है, सारे जानवर दिखाऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहे। तो गाइस फाइनली हमने एंट्री कर चुके हैं और ये देखो शुभम ब्लॉगर मामा, ठीक है। अब हम आपको सारे जानवर दिखाऊंगा, अंदर सारे जानवर मिलते रहेंगे, इधर से जाना और सारे जानवर दिखेंगे। धूप ज़्यादा हो रही है और भीड़ ज़्यादा हो रही है, संडे के दिन कभी मत आइए। संडे को आपको भीड़ मिलेगी और संडे को टिकट भी महंगी है, तो संडे के दिन कभी ना आए। कैमरा तुम लेके नहीं आए मामा, कैमरा घर पे है, लेके झील चलेंगे, झील आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी झील लिया है मामा। भाई ये मामा के जैसे कैमरा नहीं आया है, मामा झील ले जा रहे थे, दूसरी झील खुलवा लाया। हाँ मैं इस वजह से लेके नहीं आया, मैंने झील जाएंगे तो इस वजह से फायदा नहीं है, पर हम दूसरी झील आ गए हैं। तो गाइस अगर आपके बस की चलना नहीं है, जानवर इस राइड में मिल जाएंगे। तो भाई कितने रुपए की टिकट है? 70 रुपये एक जने की, पूरा राउंड एक जने की कितनी? 70 रुपये। 70 रुपये तो गाइस ये 70 रुपये की टिकट है एक जने की। अगर आपके बस की चलना नहीं है तो इसमें आप बैठ सकते हो। तो गाइस अभी विचार बनना है कि ये जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये सब दिखा के लेके जाएंगे। बीच में फाइल उतरना, वहाँ उतर दो, जैसे पॉइंट होते हैं उतारने वाली जगह पे उतार देंगे, बैठाने वाले वो ज्यादा है भाई। तो गाइस अभी विचार बन रहा है, जो भी है यहाँ से टिकट की होगी। ये टिकट काउंटर जो रिक्शा देखा है ना आपने, यहाँ से टिकट बुकिंग होगी, यहाँ से कुछ नहीं होगा। तो गाइस आप यहाँ आ चुके हो, यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा पेप्सी कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट भी देख सकते हो, बाकी मजा आ रहा है, मौसम है सुहाना, हमें व्लॉग बनाना है भाई। ब्लॉगर इनकी बैटरी डाउन हो चुकी है, इनकी बैटरी चार्ज करेंगे, घर से आते हुए तो बहुत बैटरी फुल चार्ज थी इनकी कि ये कर रहे हैं हेलो ब्लॉगर हेलो, और चाची कहाँ है, मौसी कहाँ है, हो रही थी इनकी, और अब इनकी बैटरी डाउन पड़ी है, टेंशन में पड़े हैं। और मामा यहाँ से घुमा के एग्जिट गेट से बाहर भी लेके जा रहे हैं कि घूम लिए चिड़ियाघर। मामा देखो, मामा कहाँ जा रहे हो? खाने पीने का कुछ भी अलाउड नहीं है, आप खाने पीने का कुछ नहीं ला सकते, सिर्फ एक बोतल ला सकते हो। और यहाँ पे खाने पीने के लिए ये कैंटीन है, ठीक है, अंदर आप कुछ भी नहीं ला सकते, पानी की बोतल के सिवा। यहाँ पे मिलेगा आपको खाने पीने का सामान और यहाँ पे आपको मैं प्राइस दिखाता हूँ, प्राइस कितने हैं, प्राइस लिस्ट देख लीजिए। तो MRP पे ही है सब चीज़ लगभग, रेट लिस्ट देख लीजिए, MRP पे है लगभग सब चीज़ मिलेगी, तो इतना महंगा कुछ ऐसा नहीं है। तो गाइस ये हमारी आइसक्रीम ले लीजिए, आइसक्रीम रेडी हो रही है, सब लंगर में बैठे हैं, ये फ्री लंगर मिलेगा आपको यहाँ पे फ्री ना है ध्यान में क्यों कहीं। तो गाइस सबने हमने आइसक्रीम ले लिया, 30 रुपए की एक आइसक्रीम है, ठीक है। 30 रुपीज की आइसक्रीम है, एक बोतल दे दो भैया।
तो गाइस ये पीछे लाल किला गाइस चिड़ियाघर के पीछे डायरेक्ट लाल किला है, डायरेक्ट लाल किला ही दिख रहा है ये देखो, इधर से आप देख सकते हो लाल किला, बिल्कुल पीछे ही लाल किला, ये लाल किला है, लाल किला कहते हैं इसको, ओल्ड किला बोलते हैं। चिड़ियाघर के अंदर से पीछे आप देख सकते हैं लाल किला, देख सकते हैं आप हरी हरी चीज, ये स्विमिंग पूल है, ग्रीन स्विमिंग पूल जिसे हम कहते हैं। देखिए ये देखिए क्या है, ये कुछ नहीं पता क्या है, ये रास्ता है चिड़ियाघर का, अगर आप आ रहे हो तो ये रास्ता है। ये देखिए जल पक्षी है, तो गाइस इधर हमारे को जल पक्षी मिलेंगे सारे, और इनके साथ रितेश सागर ब्लॉगर के साथ संवाद आता हर्ष कुमार ब्लॉगिंग करते हुए। पानी पीने का रास्ता, ओनली वाटर इज अलाउड, और बाकी परचेजिंग अंदर है। ये हमारा शेर पूछ बंदर जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है ये, पर धूप की वजह से कुछ नहीं दिख रहा। तो गाइस हमारा एक व्लॉगर तो शांत बैठ चुका है, या व्लॉगिंग नहीं कर रहे, कह रहे भाई मेरी व्लॉगिंग हुई है पूरी, मैं थक गया हूं। ये देख सकते हैं, ये गाइस देखिए आप देख सकते हैं मोर, हिरन दिखाता हूं मैं आपको, हिरन देखो भाई, ये तो वही वाला है जो पहाड़ पे रख दो, ऐसे तो बालक नीचे गिरते हैं, चला चला के दिखाते हैं। तो आपको मामा पहाड़ी हिरन देख के कैसा लगा? अब तो नाक क्यों दिखा रहा है उनकी, उन्होंने नाक उंगली देखी मामा टीवी पे देखेंगे अपने आप को पहाड़ी हिरन के साथ में, तो हिरन तो आज आपने देख लिया है। ये तो रेत तो सारे गाइस नहीं लगाए, देखिए नील गाय तो गाइस फाइनली शेर मिलने की खुशी के अंदर हम थोड़ा आगे चलते हुए दिख रहे हैं, वे लोग इसलिए शुरू करा है, और यहाँ देखो शेर का बच्चा मिलेगा। मौसम में सुहाना और हमें अब लोग बनाना है, इधर था साफ क्या। तो गाइस अभी मौसम धूप का हटके मस्त हो चुका है, एकदम मस्त मौसम हो चुका है, और शुभम व्लॉगर की बैटरी डाउन में, अपना व्लॉग स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहे, ये आए तो जो उसमें ऐसे थे जैसे कि पूरा सब कुछ कवर कर देंगे, पूरा व्लॉग पर इन्होंने कुछ कवर नहीं कर पाए, पर अंदर घुसते ही इनको जैसे ही अंदर घुस रहे थे इनको वहीं पे पकड़ लिया, खाने पीने की चीजें अलाउड नहीं है, तो इन्होंने छोटा सा मुंह बना लिया जब से इनकी बैटरी मैं गया अपना सामान अपनी गाड़ी में कर रहा था, गाड़ी में लोक करके आया खाना, अब खाना जाना है हमें, अगर किसी को खाना खाना है तो गाड़ी में जाइए, पर इतनी हिम्मत किसी में नहीं है जो यहाँ से गाड़ी में जा सके और खाना खा सके। जल ब्रिज कॉल अच्छी आएगी, कितनी जामुन खा रही, जामुन पता नहीं घुसना, चलो 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 इसे मुंह देखो कैसा है, इसमें देखो फोन में मामा मत देखो, फोन में देखो वो आप खोल लीजिए, मिल गया भैया, देखो सबल देखो कटाना बनता है।
क्योंकि वो उसमें देखा है ना यूट्यूब पे, बंदा तो उसमें चांटे मार रहा था, बाहर निकल आया था। चलो आज चलते हैं पीछे, तो और कुछ नहीं। हेलो इधर आ जाओ, आ जाना इधर। चलो हां जी, चलो पत्ता देख टाइगर अभी। पता क्या करता शेर, वो एक पर अटैक नहीं करे, वो घायल करता हुआ चलता है। एक को मारा, दूसरे पे लपक लिया, दूसरे को ये नहीं सर खाने लग जाए, पड़ जाएगा। तेरे एक लग जाएगा पंजा तो टूटेगा नहीं, समझ गया। हिम्मत ये कहेंगे, हिम्मत दिखाऊंगा मैं हिम्मत दिखाऊंगा। उधर घूम के जाना, कोई कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? ये भैरव बाबा की चढ़ाई फुल खतरनाक है। इसमें कुछ ना दिख रहा, अंदर से सांप आ पाएगा, दिखा नहीं है। ले ले ले, किसी से भी लड़वा दो, किसी से भी लड़वा दो। सुअरों ने पेल दिया था इसको, नहीं ये तेंदुआ वीडियो ने देखी थी मैंने, तुम वीडियो ही देखते रहो। तेंदुआ दौड़ता बहुत तेज। लायन कहाँ पे है? क्या शेर नहीं है मामा? ये शेर नहीं है, शेर नहीं, तेंदु नहीं है, तेंदु नहीं। भाई साहब 100 रुपये सील होता है टिकट, किस पैसे वसील होता है। आवा, चलो। आगे चला, इसने जू की लाज रखनी। आगे से लेंगे इसकी फ्रेंड की, आया से देखो ना, ये तो रही से देखो ना, फोटोग्राफी कर रहे हैं कि पहले पीछे जा रहा है फिर आगे आ रहा है, मॉडलिंग कर रहा है भाई, मॉडलिंग। तो गाइस फाइनली व्हाइट टाइगर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, व्हाइट टाइगर अब मिल चुका है हमको, ये देखो। बच्चा तो गिर जाता नीचे, जो बच्चा गिर गया था वो इसी ने खाया था। है कहाँ वही तो है, एक ये बहुत बड़ा है, तो ये है सबसे बड़ा। गर्मी लग रही है, लड़वा तुम लड़ जाओगे उससे। चलो हाँ आ जा मेरे पास, आ जा, कोई बात नहीं। लड़ाई चल रही है ये, ये ना पकड़े आलसी है, वीडियो तो चलाई नहीं, आलसी है, वीडियो तो चलाई नहीं, चल गई वीडियो तो चलाई नहीं तूने, तुम्हें पता है चल रही है, आलसी है, इतने फुर्तीले होते हैं ना, दौड़ वोड़ नहीं लगाते ना, कमजोर देख के तरफ रखा है, मुद्दा हो गए, मुद्दा हो गए। इन्हें चाहिए कम से कम 5-10 आदमी एक बारी में, ज्यादा ही चाहिए ना 50 किलो से भी। रणवीर कपूर आएगा इधर, बाहर आ सकता है, हाँ हाँ इसमें ये आ सकता है, बाहर आ सकता है। ये सांप ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ देंगे एक बार, कुराई लग गई किसी के तो। मामा चल रहे हैं, इसी को चल रही है ना गुम्बी, गाइस इसके अंदर हम जा रहे हैं सांप घर में। ओए होए, Thank you.
ठंड लग गई कमरे तो मामा बेकार हो गया ना अजगर कहाँ है इसका मुँह बारह ये वाइट अजगर है